तो आगे बढ़ते विस्तार से आपको खबर देंगे। आज दो जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में ही आजमगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी। आजमगढ़ मंडल के सांसदों विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होगी। शाम 4 बजे वाराणसी में सावन मेले की समीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आज दो जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में ही आजमगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं, अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अतुल, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि आज आजमगढ़ में कई मीटिंग भी होनी है, सीएम शिरकत करेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? जी, जैसा कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय समय के अनुसार आजमगढ़ पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट के सभागार के बाहर और सब अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं आजमगढ़ के विकास कार्यों का। और इसके अपना जनप्रतिनिधियों से और सांसदों विधायकों से वार्ता करेंगे कि हाल की भी समीक्षा करेंगे इसमें कि आखिर क्या कारण था कि लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी है। उसके बाद आजमगढ़ में एक वर्ष पूर्व हरियरपुर में संगीत महाविद्यालय का आधारशिला रखा गया था, जिसका भी निरीक्षण करने जाएंगे। उनके साथ अभी और कौन-कौन मौजूद है, ये अभी सूत्रों से कोई खबर नहीं मिली है, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, मीडिया कर्मियों का अंदर प्रवेश वर्जित है, बाहर रहने के कारण हम लोग को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कौन कौन लोग हैं। लेकिन ये है कि सारे बीजेपी के नेता और पदाधिकारी सब लोग मौजूद हैं। अब उपचुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी, उपचुनाव को भी लेकर हो ना हो, आजमगढ़ जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है ये उपचुनाव को लेकर ही खास माना जा रहा है, और इस लगभग 4 घंटे का कार्यकाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं यूपी